नमस्कार। आज हम बनाएंगे काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम काजू ले लिया है। आप टुकड़े वाले काजू भी ले लें, साबुत काजू भी ले लें। तो मैंने 250 ग्राम साबुत काजू ले लिया है और 100 ग्राम चीनी ले लिया है। तो सबसे पहले हम काजू को पीस लेते हैं मिक्सी में। मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें हम काजू को डाल देंगे। तो हम इसको पीस लेते हैं, जैसे 5 सेकंड के लिए पीसेंगे, फिर मिक्सी बंद कर देंगे, फिर 5 सेकंड के लिए, क्योंकि लगातार नहीं हम इसको पीस सकते। तो रोक रोक के हम इसको ऐसे पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने ऐसे पीस के जितना मोटा मोटा था उसको छान के फिर मैंने दोबारा पीस लिया और छन्ने से इसको एकदम छान लिया, क्योंकि बिल्कुल भी ज़रा सा मोटा टुकड़ा ना हो। देखिए, सारे काजू को मैंने पीस लिया है और इसको छन्नी से छान लिया। तो ये मैंने काजू को बिल्कुल मिक्सी में पीस के चाल के तैयार कर लिया है, छन्नी से इसको छान दिया है। तो अब हम चलिए फिर, अब चीनी जो मैंने लिया था, अब इसकी हम चाशनी बना लेते हैं पहले। तब एक मैंने फ्राई पैन ले लिया है, नॉन स्टिक में बनाए तो ज़्यादा वेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैंने कटोरी से 1 कटोरी चीनी ली थी, उसमें आधा कटोरी पानी डालेंगे, सिर्फ आधा कटोरी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए, चीनी को अच्छे से घुल जाने देंगे। उसके बाद इसमें तकरीबन हम 5 मिनट तक इसको पकाएंगे, जब तक बिल्कुल एक आधी तार की चाशनी नहीं आ जाती तब तक हम इसको पकाएंगे। चाशनी को पूरी एक तार की नहीं बनने देना है, आधी तार की चाशनी हमें चाहिए, नहीं तो क्या हमारी काजू कतली जो है गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। एक तार की चाशनी आ जाएगी तो काजू कतली जो थोड़ी हार्ड हो जाएगी बनने के बाद, सॉफ्ट चाहिए तो बिल्कुल आधी तार की चाशनी बनानी है। देखिए, हमारे चाशनी में हल्की सी आधी तार की चाशनी आ गई है। तब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें अब हम डालेंगे जो हमने काजू पीस के रखा था। ये देखिए, धीरे धीरे मैंने इसमें इसको चाशनी में मिक्स कर दिया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई बिल्कुल गर्म है, इसको बराबर हम चलाते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब देसी घी और लास्ट डालेंगे इलायची, और इसको जब तक कढ़ाई गर्म है हम इसको बराबर चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर दिया, हल्का गुनगुना होगा, उसके बाद हम इसको हल्का ठंडा होने के बाद बटर पेपर पे इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने बटर पेपर ले लिया है, इस पर हम घी डाल के इसको थोड़ा सा ग्रेस कर लेंगे। तो देखिए, मैंने घी लगा लिया है, अब इस पर हम रख देंगे सारे काजू कतली को। बटर पेपर पे रख के हम इसको बाकायदे, बिल्कुल गुनगुना हो चुका है, हाथ से ही हम इसको अच्छे से पूरा मसल लेंगे। ये देखिए, बटर पेपर को इसके ऊपर रख के अच्छे से हम इसको जितना अच्छा मसलेंगे उतनी सॉफ्ट बर्फी बनेगी। तो ये देखिए, बटर पेपर के ऊपर से बेलन से हम इसको बेल लेंगे, जितना मोटा आपको रखना है उतना मोटा आप रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने बेलन से इसको थोड़ा लंबे आकार में बेल लिया है। आपको
जितना मोटा रखना उतना रखें, हमने इतना मोटा रखा है। तो अब हम इसको सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। लास्ट हम इस पे लगाएंगे चांदी का वर्क। आप चाहें तो स्क्रिप भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको रख के आधे घंटे हो चुका है, तो हमारा सेट हो गया है। तो अब हम इसको डायमंड शेप में कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी काजू कतली बन के तैयार है। बनाना कितना आसान है, तो आप भी बनाइए काजू कतली। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए काजू कतली, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है काजू कतली। बिल्कुल सूखने के बाद भी, फ्रिज में रखने के बाद भी हार्ड नहीं होगा। तो ऐसे काजू कतली आप भी बनाइए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।